हेमंत सोरेन जी तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन हेमंता बिस्वा सरमा मुख्यमंत्री बन जाएगा आसाम का, जिसके खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। श्वेत पत्र में था कि साहब ये नारदा में संलिप्त हैं, शारदा में संलिप्त हैं, ये पानी के जो घोटाला है जल योजना का उसमें है, इरिगेशन में है, सब में हेमंता बिस्वा सरमा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने डाला था। आज हेमंता बिस्वा सरमा उनका डार्लिंग हुआ हुआ है। प्रफुल्ल पटेल, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी हाथ नचा नचा कर बोलते थे 2014 में 19 में कि दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, इकबाल मिर्ची से रिश्ते हैं, प्रफुल्ल पटेल आज कहाँ है? प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठे हैं, सरकार का हिस्सा है, राज्यसभा में है। अब प्रफुल्ल पटेल जी दाऊद इब्राहिम के चहेते नहीं है, उनकी दोस्ती नहीं है। या तो प्रधानमंत्री जी ने तब झूठ बोला तो माफी मांगे हम सबसे और प्रफुल्ल पटेल जी से भी, या सच बोला तो प्रफुल्ल पटेल जी उनके पड़ोस में क्यों बैठे हैं, उनके साथ क्यों हैं? अजीत पवार, 80,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ नचा के बोला था, क्या हुआ? अब अजीत पवार उनके साथ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उसी सरकार की जिसमें भाजपा भी है, और केस बंद हो गया बाय द वे, फाइल क्लोज। छगन भुजबल, कितने नाम गिनाऊं साहब, इसलिए एजेंसीज की विश्वसनीयता समाप्त कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा। सत्यजीत, राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट किया है कि आजकल जिस तरह से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करे तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, तो कांग्रेस इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहती है? इनडायरेक्टली थोड़ी बोला है, तो डायरेक्टली बोला। हाँ, तो बताइए ना डायरेक्टली क्या बोल रहे। देखिए, कोई अपने आप को भगवान का अवतार कहने लग जाए तो आपको हंसी आएगी या नहीं आएगी? और अगर अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करे, चलो दोस्तों में आपस में गपशप में बोल दी मैंने कि बंधु जी मैं तो भगवान का अवतार हूं, तो बंधु जी कहेंगे चलो वेरी गुड, चलो चाय पीते हैं, गपशप लगा देते हैं। देश का प्रधानमंत्री देश के जिम्मेदार मीडिया को इंटरव्यू के वक्त कहता है मैं भगवान का अवतार हूं, तो साहब कहीं कुछ दिक्कत तो है। अरे तथ्य सामने आए नहीं, इनकी एजेंसियां शुरू कर देती हैं कांड, कुछ ना कुछ करती रहेंगी, आप सोचते हैं हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्यों? हम तो हमें तो ये बताइए हेमंता बिस्वा सरमा पर एक्शन कब होगा, प्रफुल्ल पटेल पर कब होगा, अजीत पवार पर कब होगा, छगन भुजबल पर कब होगा? आप कुछ निशिकांत दुबे जी के लिए पूछ रहे थे, पूछिए। कार्रवाई करने वाली है, ये सवाल की मैं इंतजार कर रहा था, अगर आपने नहीं पूछा होता तो मैं बोलता ये बात। जब कोई वीआईपी निकलता है सड़क पर तो आगे एक पायलट गाड़ी निकलती है, फिर पीछे मालूम पड़ जाता है कि वीआईपी आ रहा है, ऐसे हमारे ये जो निशिकांत दुबे है ना, बीजेपी की ये जो एजेंसियां हैं इसके पायलट है, पहले ही बता देते हैं कि साहब अब यहां कार्रवाई होने वाली है, यहां रेड होने वाली है, इन्हें कैसे मालूम? ये साबित करता है मेरी बात को, हम सब की बात को, कि ये सब मिलीभगत और जुगलबंदी से चल रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स निशिकांत दुबे जी की पार्टी के गठबंधन के सबसे अग्रिम पंक्ति के सदस्य हैं। सर, आलमगीर ने उनको लेकर जामताड़ा में प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हुआ है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ही द्वारा। अब आपको क्या मालूम किसने किस क्यों विरोध किया और किसने करवाया, हमें भी सब मालूम रहता है। अभी रुकिए, इंतजार करिए, चुनाव हो जाने दीजिए, बहुत जवाब मिलेंगे आपको। 2019 में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने का बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिया था, और इस बात भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या 2019 के राज्य विधानसभा की तरह इस बार का भी अगर चुनाव जीतेगी कांग्रेस से इसी तरह का? राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर है, आप तेलंगाना में जाकर चेक कर लीजिए, आप कर्नाटका में जाकर चेक कर लीजिए, आप हिमाचल में जाकर चेक कर लीजिए, आप अशोक गहलोत जी की सरकार में 5 साल में क्या क्या जो कहा वो किया उससे ज़्यादा करके दिखाया वो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 16 महीने की सरकार थी वहाँ देख लीजिए, और छोड़िए इस सब बातों को, 10 साल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, राहुल गांधी मंत्री नहीं थे, सिर्फ एक सांसद थे, लड़ झगड़ कर किसानों का 74,000 करोड़ माफ करवाया, नरेगा लागू करवाया, भूमि अधिग्रहण कानून लागू करवाया, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ पड़े, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लड़ पड़े,
और उनका काम नहीं होने दिया, ये राहुल गांधी है। इसीलिए तो हम अंधे होकर उनके पीछे चलते हैं। हमें मालूम है कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो पत्थर की लकीर है। सर, कांग्रेस के एजेंडा में भी राम मंदिर है कि आपके सहयोगी नेता ने कहा है कि अगर कांग्रेस आती है पावर में तो पावर अच्छे से निर्माण करवाया जाएगा राम मंदिर का। देखिए, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है, 1949 से कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड रहा, उस पर ना इधर गए ना उधर गए। क्या स्टैंड था? वो स्टैंड ये था कि अगर आपसी सुलह से बात नहीं बनती तो अदालत का निर्णय सर्वमान्य होगा। जब हम ये कहते थे तो अडवाणी जी कहते थे, अरे अदालत का क्या काम, ये तो आस्था का विषय है। फिर जब समझ में आया उन्हें कि लोकतंत्र में अदालत का काम होता है, फिर वो भी माने, अटल जी भी माने, स्वर्गीय अटल जी, और फिर मोदी जी को भी मानना पड़ा कि हाँ ये अदालत का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। जब ये अदालत का निर्णय आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, भाजपा ने बैठक बाद में की थी, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें हमने अदालत के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि